मॉर्निंग भाई लोग, एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। तो मेरा ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं कुछ दिन पहले बोला था मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ कि मूड ठीक करने के लिए। आई थिंक ठीक हो गया अभी। तो हुआ था ये कि मेरा ब्रांड न्यू कैमरा, मे बी 14 डेज ऐसा कुछ हुआ था, मैं ख़रीदा हुआ तो कैमरा गिर गया था। तो गिर जाने से मेरा लेंस स्टक हो गया था, मतलब एक साइड से घुस गया था। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। तो क्या हुआ, मैं भी थोड़ा कोशिश की उसको ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के चक्कर में मैं क्या किया, लास्ट में वो ठीक नहीं हो रहा था तो मैं उसको उल्टा खोल लिया। तो जो जूम होकर बाहर निकालता है लेंस का सामने से, तो वो मैं खोल ही दिया क्योंकि मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था नहीं हो रहा था ठीक। तो बाद में खोला मैं, बाद में अच्छे से चेक किया अंदर भी, तो कुछ भी कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ था कुछ। बहुत ही छोटा स्क्रू होता है, आप लोगों को भी मालूम है, जैसे मोबाइल में भी बहुत ही छोटा छोटा स्क्रू होता है, तो ऐसा स्क्रू था। और वो स्क्रू ड्राइवर तो नॉर्मली हम लोगों के पास नहीं रहता, किसी के पास भी। तो मैं क्या किया, मैं सोचा क्यों ना मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर ही दे दूँ, क्योंकि अभी तो नया है। तो जब मैं सोचा था कोई पैसा भी नहीं लगेगा, बट हुआ कुछ इसका उल्टा। तो मैं गया सर्विस सेंटर, पहले तो सर्विस सेंटर ढूंढना इधर बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली ट्राई किया, गूगल में सर्च किया कैनन सर्विस सेंटर इन कुवैत लाइक दिस, तो कुछ भी शो नहीं किया। तो इसीलिए मैं क्या किया, एक साइड का डायरेक्टली कॉल सेंटर में कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल किया, तो उसको पूछा मैं ऐसा ऐसा हुआ ये हुआ, तो मेरे को फर्स्टली एक नंबर दिया, बोल रहा था ये कैनन का सप्लायर है, आप डायरेक्टली इसको कॉल करो, वो आपको गाइड कर देगा, ऐसा बोला। मैं सोचा ओके ठीक है, मुश्किल नहीं, मैं कॉल कर लेते। तो मैं जब कॉल किया तो देखता हूँ कॉल, मैं 3 टाइम्स 4 टाइम मैं कॉल किया, रिसीव नहीं कर रहा था कोई भी फ़ोन कॉल। तो बाद में मैं फिर से एक साइड का सर्विस सेंटर में, मतलब मैं जिधर से कैमरा खरीदा उधर कॉल किया, तो कस्टमर केयर में वहाँ कॉल किया। कॉल करने के बाद वो फिर से मैं बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कोई भी फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। फिर से और एक दूसरा नंबर दिया, ओके, तो बोल रहा था ये नंबर में कॉल करो, ये उठाएगा फ़ोन, ऐसा बोल रहा था। मैं बोला ओके ये भी ट्राई करके देख लेता है। तो उसमें भी मैं कॉल किया एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब वो था प्रॉपर कॉल सेंटर जैसा नंबर, जैसे हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं जैसा होता है, तो ऐसा वाला प्रॉपर नंबर था कस्टमर केयर वाला। तो 1 दबाओ 2 दबाओ इंग्लिश के लिए ये दबाओ, ऐसा करके करके मैं सब कुछ किया। जब एंड में आया सर्विस सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करने के टाइम पे सर्विस के लिए, उसी टाइम पे बोल रहा है उधर नॉट रीचेबल। मैं फर्स्ट टाइम सुना कि कस्टमर केयर का नंबर में बोल रहा है नॉट रीचेबल, मतलब ऐसा वाला। नॉर्मली होता है क्या, बिजी रहता है तो बोलता है हाँ बिजी है, वेट कराता है, बाद में कोई ना कोई फ़ोन रिसीव करता है, बात होता है। तो इधर हुआ कुछ उल्टा, मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसा चीज़ फेस किया। तो ऐसा दूध के तो आपका नंबर दे दिया तो आपका काम खत्म हो गया, यानी वो लोग अगर फ़ोन रिसीव नहीं करेगा तो मैं क्या करूँ अभी, कुछ मालूम तो मैं क्या करूँ, एटलीस्ट आप एड्रेस बोल दीजिए कुछ तो, ये कीजिए, ऐसा नहीं कि आप नंबर दे दिया आपका काम ख़त्म, ऐसा तो नहीं होता ना। तब वो बोलते हैं नहीं नहीं ओके मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ। तो अल नसर करके कुछ है, सईद अल नसर ऐसा कुछ नाम है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, सईद अल नसर कम्युनिकेशन कैनन लाइक ऐसा कुछ है, मैं भूल भी गया नाम पूरा। तो मैं भी जाके आपको लाइव दिखा दूंगा क्या नाम है उधर, लिखा भी है बड़ा करके। कल मैं गया था उधर, तो ऑलरेडी मैं यही सोच के गया था कि पैसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सोचा नॉर्मली, क्योंकि मेरा कुछ टूटा नहीं है, मेरा फर्स्ट ना, अगर टूटता तो मैं पकड़ लेता ओके, अगर फिक्स होगा भी तो पैसा लगेगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये टूटा नहीं है कुछ, ये जस्ट ये हुआ कि वो खोल गया, जस्ट उसको अंदर डालना है। मैं सोचा इसके लिए पैसा नहीं लेगा, क्यों, जब मैं गया तो काउंटर में उधर पे जो बैठा था उन लोगों का कैनन का एम्प्लॉय, तो मेरे को, मैं जब उसको बोला ऐसा हुआ, निकाल के मैं रखा क्या लेंस, तो उसी टाइम वो फर्स्ट बोल दिया ये तो टूट गया है, ऐसा वो बोल दिया ये तो टूट गया है। तो मैं बोला आप तो चेक भी नहीं किया, आपको कैसे मालूम हो गया टूट गया, एटलीस्ट आप तो देखो तो सही क्या हुआ ना हुआ, आप कोई भी आएगा कुछ होगा आप पहले मतलब बोल दे रहा हाँ ये हो गया ये वो हो गया। अरे देखो एटलीस्ट देखो, हाथ में पकड़ो क्या हुआ देखो, बाद में तो बोलो हाँ ये हो गया।
तो पहले ही बोल दिया और टूट गया। तो मेरे को तो भी थोड़ा गुस्सा भी आया। मैं उसको तब बोला कि क्यों आप बोला, अब देखा क्या हुआ, कुछ मालूम है? ऐसे मैं बोला, तब वो क्या क्या बोलता है, ओके बोल के वो उसका मतलब जो उधर में सर्विस सेंटर में जो मतलब ओरिजिनल टेक्नीशियन है उसको फ़ोन लगाया, वो आया ऊपर से। तो आने के बाद वो देखा, वो भी सेम ही बोल रहा है, बोलता है ये तो टूट गया। मैं बोला अरे यार ये कैसा सर्विस सेंटर है, जो कि कोई देखता भी, वही ऐसा दूर से खड़ा होकर देख के बोल रहा है टूट गया। अरे भाई आओ सामने देखो, हाथ में पकड़ो एटलीस्ट, हाँ ऐसा ऐसा देखो, उसके बाद बोलो तुम, हाँ कुछ भी बोलना है तब बोलो टूट गया, तो ओके मैं मान लिया चलो टूट गया। देखता नहीं, फिर से फिर बोल रहा है, वो भी बोल रहा है टूट गया। तब मैं उसको भी बोला, वो था केरला वाला, उसको भी मैं अच्छे से समझाया, भाई साहब ऐसा ऐसा है, ऐसा गिर गया। वो बोल रहा है हाँ ये गिरा। मैं बोला हाँ मैं खुद से बोल रहा है गिर गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा है गिर गया। उसके बाद ऐसा ये क्लिप खोल गया, पहले ये टेढ़ा होकर रखा था, खोला मैं खुद ही है। मैं उसको पूरा बोला, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा के बोला, झूठ बोला ऐसा नहीं, मैं जो हुआ मैं उतना बोला, हाँ मैं ही इसको खोला पूरा। ये पूरा खुला नहीं था, आधा खुला था, मतलब एक साइड से थोड़ा ज़्यादा घुसा हुआ था, एक साइड से निकला होता ऐसा था। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, फोटो भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो बाद में वो समझा, समझने के बाद वो अच्छे से हाथ में लेके देखा, उसके बाद बोलता है ओके, बट इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है कुछ लेंस का। तो मुझे ये चीज़ पहली बात तो मालूम नहीं था कि लेंस का गारंटी वारंटी नहीं होता है, और अगर हाँ टूट भी जाता है, हाथ से गिरता है, तो वैसे भी वारंटी क्लेम नहीं होता है, आपको आप लोग को मालूम है। तो मैं बोला ओके इट्स ओके, गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए इसको जस्ट स्क्रू से खोल के। मैं उसको ऐसा बोल रहा था, जबकि वो टेक्नीशियन है, वो लोग पहली बात तो देख के थोड़ा ये हो गया, बोलता है नहीं ठीक होगा, ऐसे ऐसा बोल रहा था। तब तो मैं बोला उसको अच्छे से समझा के ओके ठीक ना हो, ऐसा भी बोल रहा था, मे भी फोकस बराबर नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहा था, तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं। मैं बोला ओके भाई साहब, आपका कुछ जिम्मेदारी लेने का ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट स्क्रू से खोल के उसको वो अंदर डाल दो, जैसा वो बैठता है इतना आप कर दो, इतना तो कर सकते हो ना। तब वो सुन के, मेरा बात सुन के बोलता है ओके ठीक है आप जमा करके। तो बाद में अभी वो बोला 10 KD पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, वो चेक करने के लिए। मैं बोला अभी सोचा, मैं तो सोचा था पैसा नहीं लगेगा, अभी क्या करेगा, पैसा लगेगा। वो बोल रहा है 10 KD लगेगा, क्योंकि वो चेक करने के लिए भी 10 KD लेगा। तो मैं बोला चलो ओके, वो भी दे, मैं दिया 10 KD दे के आया। तो अभी आज मैसेज किया वो लोग, बोला कि रेडी है पिकअप के लिए, आप आके लेके जाओ, ऐसा मैसेज आया। तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ वो लेने के लिए, अभी बाद में देखता हूँ कि क्या बराबर है कि नहीं है। और मैं जो कि देखा, आप लोगों को मैं इसका लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके पहले मतलब ये सब करने से पहले मैं बहुत गूगल में सॉरी यूट्यूब में भी सर्च किया कैनन का सर्विस सेंटर बोल के, कोई भी वीडियो मेरे को नहीं मिला, एक भी वीडियो मैं नहीं ढूंढ पाया कि ऐसा कुछ भी है। तो कैनन का कैसे सर्विस सेंटर में जाना है उसका भी मैं इधर लिंक दे दूंगा आप लोगों को, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली लिंक ओपन करके लोकेशन लगा के जा सकते हो कैनन का सर्विस सेंटर में, आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। जैसा मेरे को, ये बेसिकली एवेन्यूज मॉल का ठीक पीछे है ये, ठीक है पहुँच गया, ये बिल्डिंग है मैं अभी आ गया हूँ, नसर मोहम्मद अल सईद कम्युनिकेशन कंपनी ऐसा कुछ होगा फुल फॉर्म। तो ये है कैनन का सर्विस सेंटर। तो अभी अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ अभी लेंस का सब कुछ सही है कि नहीं, फोकस वगैरह से एवरीथिंग। तो अभी जस्ट मैं लिया लेंस, पूरा सही है जो कि मैं सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही सोचा था, एकदम ठीक है, बराबर है, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल फोकस भी सही है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, इधर बहुत लेंस है, कोई चाहे तो इधर से भी खरीद सकता है। ये कैनन का इनसाइड में है, कैनन का हर एक प्रोडक्ट इधर ही मिलेगा आप लोगों को, किसी को कुछ भी खरीदना है तो इधर आके खरीद सक। तो फिलहाल सब कुछ सही है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, जो भी है सुकून मिल रहा है अभी, हाय हाय इतना सुकून, क्योंकि खर्चा नहीं हुआ मुझे, नहीं तो अगर अगर सपोज अगर
अगर ये कुछ हो जाता है इसको तो क्या मतलब फिर से नया लेंस लेना पड़ता मेरे को, और लेंस का प्राइस आप लोगों को मालूम ही है, अच्छा खासा है, सस्ता नहीं होता है लेंस। तो जो भी है तो ऊपर वाला को थैंक्स, थैंक यू बजरंग बली मेरे को ये मुसीबत से निकलने के लिए। तो चले अभी वापस जाते हैं। तो भाई लोग, मैं फिर से कैमरा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, जो कि आप लोग देखा होगे कि मैं नॉर्मली अभी 2 दिन में भी यहाँ 2 दिन मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग किया, क्योंकि कैमरा गिर गया था, गलती तो मेरा ही था। जैसे भी हो जाता है कभी कभार, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा गलती नहीं करूँगा मैं, आदमी लोग गलती से सीखता है। तो अभी कैमरा बराबर है, आप लोगों को भी मालूम पा रहा होगा देख के, फोकस वगैरह जो कि मुझे बोला था वो लोग कि फोकस वगैरह बराबर नहीं रहेगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेगा उसका, ये सब बोल के बाद में लेंस लिया था। तो अभी जब उससे बात किया वो खुद ही बोल रहा है नहीं सब ठीक है, बस वो निकल गया था। तो इतना तो मेरे को भी मालूम था, इसलिए मैं उन लोगों को बोल भी रहा था कि पहले आप देखो तो सही क्या हुआ। तो जो भी है अभी सब कुछ ठीक है, तो खर्चा होने से बच गया कि एक लेंस का प्राइस इधर में ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, नॉर्मल एक लेंस भी लेने जाएगा तो जो कि ब्लॉगिंग के लिए बराबर बैठेगा, ऐसा लेंस लेने के लिए जाएगा तो अभी कम से कम 300 से 400 KD तक खर्चा हो जाता। अभी 400 KD पकड़ लीजिए खर्चा हो जाता, तो वो खर्चा होने से अभी बच गया। तो 400 KD बोले तो बहुत होता है ना, इंडिया का 1 लाख का करीब होता है, वो अभी बच गया। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही नॉर्मली मैं देख रहा था एक लेंस को जो मेरे को पसंद भी है वो लेंस, तो उसका प्राइस इधर पे 400 है, 400 KD है। तो लेता तो मैं एक ही बार में वही लेता, तो अभी लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये पूरा ठीक हो गया। अभी ये चाचा ये अभी मेरे को बोल रहा था कि नेक्स्ट टाइम गिराएगा तो पूरा तोड़ देने का, ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहा था। ये आधा नहीं पूरा है। तो इसलिए मैं बोलता है कभी अगर दिमाग ठीक है तो मतलब तुम्हारा मूड खराब है तो इससे बात करो, मूड अच्छा हो जाएगा नहीं तो और खराब हो जाएगा, बराबर कर देंगे याद है पूरा। ना मैं बोला था। तो इसी वजह से बोलते हैं, ये ऐसा बोलता रहता है उल्टा पुल्टा तो दिमाग खराब हो जाता है। और कभी कभी तो बाप रे क्या हो गया इधर, इतना ट्रैफिक, ऐसा होता है। इतना ट्रैफिक देख लीजिए। तो अभी मैं फिर ब्रांच में जा रहा है, देख के मालूम पड़ रहा होगा कि बहुत खुश है मैं, क्योंकि मेरा लेंस बराबर हो गया, सही हो गया इसलिए। और सामने पार्टी आने वाला है दिसंबर में मेरा कंपनी का, तो उसमें भी मैं ब्लॉग बना सकता है अच्छे से, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुश है अभी। नहीं तो अगर लेंस सही नहीं होता तो मे भी मैं पार्टी में ब्लॉग नहीं बनाता, मे भी इतना अच्छे से नहीं बना पाता। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो गया। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आता रहेगा हर रोज़, कुछ ना कुछ मैं नया लाने का कोशिश करता रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड अच्छा अच्छा कमेंट भी कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक भी इधर आ रहा होगा तो जाके फॉलो कर देना ज़रूर। तो चलिए आज का ब्लॉग इधर ही मैं ख़त्म करता है, गुड नाइट।